Now next one, another example of indirect recursion. Why we should call as indirect recursion in that case? This case in total two function defined here, function A or function B. Here A is calling conditionally function B and B is calling conditional function A. Or we can say indirect recursion as well as cyclic recursion. Cyclic recursion means अगर आप किसी प्लेस पर ए को कॉल करते हैं, ए इटसेल्फ कॉल किसको कर रहा है, फंक्शन बी. सेम है फंक्शन बी इटसेल्फ किसको कॉल करेगा, फंक्शन ए. इस टाइप के रिकर्सन को नेम दोगे साइक्लिक रिकर्सन और इनडायरेक्ट रिकर्सन. हाउ टू प्रोसेस इट, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मेन फंक्शंस. अगेन इस केस में दोनों ही फंक्शन के अंदर टू स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं. स्टेटमेंट वन प्रिंट एफ एक्स, स्टेटमेंट टू कॉलिंग बी. सेम स्टेटमेंट वन कॉलिंग ए, स्टेटमेंट टू प्रिंट एफ एक्स. हाउ टू प्रोसेस इट, सबसे पहले मेन के अकॉर्डिंग कॉल क्या हो रहा है, फंक्शन ए. फंक्शन ए विद आर्ग्यूमेंट टू. देन किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली टू स्टेटमेंट इंप्लीमेंट कराना, वन टू वन टू. सबसे पहले कॉल क्या हो रहा है, ए. ए के केस में पास क्या हुआ, टू. टू ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन इज टू. दैट्स व्हाई वी आर स्टोरिंग टू स्टेटमेंट. फर्स्ट केस क्या है, प्रिंट एफ एक्स. इन दैट केस फर्स्ट वन प्रिंट एफ एक्स और एक्स का वैल्यू पास हुआ एज अ टू. सेकेंड केस में कॉल किया हुआ फंक्शन बी. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हेयर फंक्शन बी. बी के केस में पास करो एक्स माइनस वन, एक्स का वैल्यू टू है, टू माइनस वन इज वन. क्लियर. नेक्स्ट वन अगेन बी के रिस्पेक्ट में जब सेकेंड टाइम बी कॉल होगा तो बी के लिए भी, अगेन बी के लिए टोटल कितने स्टेटमेंट प्रोसेस करना है, टू स्टेटमेंट, वन टू. अगेन कॉलिंग ए. बी इट्सेल्फ फर्स्ट केस में प्रोसेस क्या करें, कॉलिंग फंक्शन ए. लेकिन ए के लिए पास क्या हो रहा है, एक्स माइनस वन, या एक्स का वैल्यू पास क्या हो रहा है, वन. एक्स का वैल्यू वन है इसलिए कंडीशन कैसा है, ट्रू, वन ग्रेटर देन जीरो. नेक्स्ट वन इसलिए कॉल क्या करेंगे, वन माइनस वन मीन्स फंक्शन ए पास कर रहा हूँ वन माइनस वन मीन्स जीरो. नेक्स्ट वन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में एक्स पास करेंगे और एक्स का वैल्यू क्या है, वन. दैट्स वाई अगेन प्रिंट एफ वन. नेक्स्ट वन अगेन इस केस में कॉल क्या हुआ, रिकर्सिवली इनडायरेक्टली ए. नेक्स्ट टाइम ए के लिए फंक्शन कॉल मेड हो रहा है, देन इस केस में जब ए कॉल हुआ तो ए के लिए वैल्यू क्या पास किया, जीरो. जीरो के केस में कंडीशन कैसा है, फॉल्स. फॉल्स है तो आगे प्रोसेस करने की नीड नहीं है. देन इस केस में डायरेक्टली इसका आउटपुट को सॉल्व करेंगे. इन दैट केस सिंपली ए प्रिंट एफ वैल्यू एस टू, देन फंक्शन बी नथिंग टू प्रोसेस, फंक्शन ए नथिंग टू प्रोसेस, देन प्रिंट एफ वन. अगेन रूट रूट फाइनल आउटपुट क्या आएगा इस केस में, टू एंड वन.